तो नमन के ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज मुझको ना कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा कि किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊं। आज हमारे डॉगी ने भी पोटी नहीं की और आज द्विज भी बदमाशी नहीं कर रहा, और तो और दोस्तों बिल्लू से भी मेरी आज कोई लड़ाई नहीं हुई। बहुत बोरिंग लग रहा है दोस्तों। इनमो हाँ? देखो कुछ आया है, नया फोन आया है। सही है, करते भी ना मोटो। तो ये मोटो E32S। चलिए दोस्तों इसी को अनबॉक्स कर लेते हैं। वैसे तो मैं प्रोफेशनल ब्लॉगर हूँ, अनबॉक्सिंग का ज्यादा आइडिया नहीं है, बट आपके लिए दोस्तों हम ये भी कर लेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और को लाइक कर दीजिए। देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से ये डिब्बा मिल जाता है। यहाँ पे लिखा है मोटो E32S, यहाँ पे मोटोरोला लिखा हुआ है, यहाँ मोटो लिखा है, भाई कंफ्यूजन हो रही है, दोनों एक ही हैं। दोस्तों कंपनी बता रही है स्लीक स्टाइलिश डिजाइन है इसमें, और दोस्तों 90 हर्ट्ज का मैक्स विजन डिस्प्ले बताया गया है। मीडियाटेक का हीलियो G37 ऑक्टा कोर चिपसेट बताया गया है। ये क्या बताया गया है कि डस्टबिन में मत फेंको। दोस्तों ये चाकू है, ये ऐसे खुलता है। अब दोस्तों हम सील ओपन करेंगे, इसमें देखिए दोस्तों डिब्बा खोलते हैं, देख सकते हैं हमारा मोटो E32S कपड़े पहन के आया हुआ है डिब्बे के अंदर। कपड़े उतार देते हैं थोड़ा सा। ये TPU सिलिकॉन वाला कपड़ा पहना हुआ है दोस्तों। ये देखने में बहुत प्रीमियम लग रहा है, सही बता रहे हैं, मतलब ये बात हम सही से बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, ये बढ़िया लग रहा है यार। तो ये कुछ ऐसा फोन मिल जाता है दोस्तों, इसको रख देते हैं। कुछ पुस्तकें भी हैं, इससे आप सिम निकाल सकते हैं। और दोस्तों इसमें 10 वोल्ट का एक पावर अडाप्टर मिलता है। वैसे ये वाला स्मार्टफोन सपोर्ट करता है 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को। और दोस्तों एक Type-A to Type-C केबल भी मिल जाती है इसमें। तो देखा दोस्तों हम एक प्रोफेशनल ब्लॉगर हैं, लेकिन आपको लगा नहीं होगा कि हम कोई ब्लॉगर हैं, आपको लगा होगा कि हम कोई प्रोफेशनल रिव्यूअर हैं। मतलब बढ़िया से अनबॉक्स किए हैं ना, मतलब रेटिंग दे दीजिएगा नीचे 1 से 5 के बीच में। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक वाइक सब्सक्राइब देख लीजिएगा, आप भी करना चाहिए। बिल्लू ये वाला फोन वैसे ही लग रहा है यार। कैसा? मोटो G22 आया था ना अभी। हाँ, बिल्ड वैसी लग रही है, वैसी लग रही है, सेम बिल्ड है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, अब असली वाली वीडियो देखते हैं भाई। तो दोस्तों ये है मोटोरोला E32S, और ये मोटोरोला की तरफ से आने वाला एक बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन है। और मेरे पास इसका 32GB वाला वेरिएंट है, और पहली बार बूट करने पे 13GB स्टोरेज पहले से कंज्यूम्ड रहती है। अब मोटो का कहना कि जो इसका बैक है ना वो PMMA मटेरियल से बनाया गया है, जिसे कि एक्रेलिक ग्लास या फिर इंजीनियर्ड प्लास्टिक भी कह सकते हैं। ये वैसे ग्लास की बजाय प्लास्टिक ज्यादा फील होगा आपको। अब ये थोड़ा मैट काइंड ऑफ फिनिश के साथ आता है, एकदम से मैट नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स चिपके हुए दिख जाएंगे आपको। हाँ, इसकी जो इन हैंड फील है वो चीप फील नहीं होती, ऐसे बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है। ये वाला मोटो का ही G22 है। इन दोनों को देखेंगे ना तो काफी सिमिलर से लगते हैं दोनों, साइड से भी और पीछे से भी। इसका कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा अलग है। अब इसमें डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिल जाता है। IP52 वाटर रिपेलेंट डिजाइन भी दिया गया है इसमें, तो थोड़ी बहुत पानी की छींटे बौछारें ना झेल जाएगा ये। यहाँ पे ना साइड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, ठीक है। और ये फोन सिंगल स्पीकर के साथ आता है, मतलब लाउडनेस ठीक कह सकते हैं। और इसका जो वेट है वो है लगभग 185 ग्राम। यहाँ पे डिस्प्ले 6.5 इंच की IPS LCD मिलती है। HD+ रेजोल्यूशन है इसका, और इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। स्क्रॉलिंग और ऐप ओपन करने में थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा आपको। वैसे मोस्टली जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं इस मूल्य पे ड्यू ड्रॉप नॉच या ऐसा कुछ देते हैं, परंतु यहाँ पे आपको पंच होल मिल जाता है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस 500 nits बताई गई है, जो कि ऐसे आउटडोर में जाते हैं ना थोड़ा सा कम लगती है, बट इस प्राइस पे भाई मोस्टली ब्रांड्स 400, 450 nits ही देते हैं। वैसे HD+ रेजोल्यूशन है तो शार्पनेस आपको HD+ जैसी देखने को मिलेगी, हालांकि डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को ठीक लग रही है। नॉर्मली अगर आप वीडियोस देखते हैं या कुछ कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो ठीक है। वैसे डिस्प्ले में फिलहाल वाइडबैंड L3 का सर्टिफिकेशन है, मतलब नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो पे ना HD कंटेंट अभी स्ट्रीम नहीं कर सकते। वैसे ये एक बजट वाला स्मार्टफोन है, और इस बजट के स्मार्टफोन में लोग कितना नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो प्ले करते हैं इसका आइडिया मेरे को नहीं है भाई। वैसे इसमें पांडा ग्लास प्रोटेक्शन बताई गई है, जो कि इक्विवेलेंट होती है गोरिल्ला ग्लास 3 की, ऐसा मोटोरोला ने बताया है। वैसे पीछे आपको 3 कैमरा दिख रहे होंगे, प्राइमरी जो है 16 मेगापिक्सल का है, बाकी 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ वो उतने उपयोगी नहीं रहेंगे आपके लिए। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। अब बजट कैटेगरी वाले स्मार्टफोन्स मोस्टली डिसेंट टाइप के शॉट्स ही कैप्चर कर सकते हैं अच्छी लाइटिंग कंडीशंस में, और डायनेमिक रेंज भी थोड़ा ओवरऑल उतनी अच्छी नहीं होती है। वैसे कुछ शॉट्स मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं, मतलब अच्छी लाइटिंग में कैप्चर करेंगे तो डिसेंट रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपको। बाकी UI में आपको नाइट विजन का फीचर मिल जाता है, पोर्ट्रेट का फीचर मिल जाता है, बाकी कैमरा में ना लिमिटेड फीचर्स आपको मिलते हैं। इसकी जो शटर स्पीड है ना भाई वो मेरे को मतलब काफी फास्ट लगी, हालांकि इमेजेस प्रोसेस होने में थोड़ा समय लेता है, बट शटर स्पीड फास्ट है भाई। और विशेष रूप से इसका सेल्फी कैमरा जो है ना मुझे अच्छा लगा, इसके थ्रू जो इमेज कैप्चर करी है मैंने, मुझे मतलब सही लगी इस प्राइस के हिसाब से। और दोस्तों नमन के व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। और इसके फ्रंट कैमरा से और रियर कैमरा से आप 1080p 30fps तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। ये इसका फ्रंट कैमरा है। असली व्लॉगर वो होता है जो भाई रियर कैमरा को भी फ्रंट कैमरा बना दे। अब ये रियर कैमरा का वीडियो है, आप देख सकते हैं। अब इसमें जो चिपसेट दिया गया है ना, ये G20
22 स्मार्टफोन में भी था, मीडियाटेक का हीलियो G37, TMMC 5.1 स्टोरेज मिल जाती है, LPDDR4X रैम मिल जाती है। अब मेरे पास जो ये वेरिएंट है 3GB 32GB स्टोरेज वाला है, और UI में जैसे जैसे नेविगेट करते हैं या फिर ऐसे ऐप ओपन करते हैं क्लोज करते हैं ना, तो मुझे जिटर्स इसमें अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। मतलब यूजेबल है बट हाँ, जिटर्स मेरे को देखने को मिले हैं। अब क्योंकि आज के समय में क्या है कि स्मार्टफोन्स के जो प्राइसेज हैं वो बढ़ गए हैं, तो ब्रांड्स को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है, अन्यथा इस बजट पे मोस्टली ब्रांड्स पहले मीडियाटेक का हीलियो G80 G70 देती थी, वो बेटर चिपसेट थे, मे बी 4GB 64GB में बेटर परफॉर्मेंस मिलती हो, बट इसमें थोड़ा सा जिटर्स हैं। तो ये वाला फोन ना मोस्टली लाइट यूजर्स के लिए ठीक रहेगा परफॉर्मेंस के दृष्टिकोण से। अब क्योंकि लाइट यूजर्स को ही टारगेटेड है, तो इसमें BGMI जैसे गेम्स ना 15 FPS पे ही चलते हैं, तो छोटे मोटे गेम्स जैसे टेम्पल रन, सर्वे सर्फर, तो इस टाइप की गेम्स आप खेल सकते हैं इसमें। हाँ, इसमें डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलता है, अभी ये 5GHz वाईफाई बैंड से कनेक्टेड है, ये अच्छी बात है। हालांकि इसमें 4G कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मुझे देखने को नहीं मिला। अब इस मूल्य पे मोस्टली ब्रांड्स ये वाला फीचर भी नहीं देती हैं। ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पे चलता है, और फिलहाल इसमें देख सकते हैं मई का सिक्योरिटी पैच है भाई, तो इसके यूजर इंटरफेस जो है वो पूरा एकदम क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड जैसा है। क्विक टॉगल मेन्यू भी वैसा ही मिल जाता है, माइक और कैमरा एक्सेस को भी ऑफ कर सकते हैं आप, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है नेटिवली, माइक्रोफोन या फिर सिस्टम साउंड को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी मोटो का ये वाला फीचर मिलता है, टॉर्च जल गई। वैसे एक प्रकार से देखा जाए ना तो इसमें 3 प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन भी मिलते हैं, ये है जोश। हालांकि सेटअप के दौरान डेली हंट और जोश एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए पूछता है, लेकिन मैंने देखा है भाई मोस्टली लोग यस करके आगे बढ़ जाते हैं, तो यदि आपको इन्हें नहीं यूज करना है तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जोश, डेली हंट और फेसबुक मिलता है इसमें, और सेटअप के दौरान आपको नोटिस होगा कि इसमें ग्लांस स्क्रीन वाला फीचर भी मिलता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे ये फीचर उतना पसंद नहीं है। 5000mAh की बैटरी मिलती है जो कि सपोर्ट करती है 15W की फास्ट चार्जिंग को, परंतु डिब्बे में आपको 10W का अडैप्टर दिया गया है। अब थोड़ा सा प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। वैसे ये दो रंगों में उपलब्ध रहेगा, ये मेरा स्लेट ग्रे है, एक और रंग भी रहेगा मिस्टी सिल्वर। ये 6 जून को 12 बजे दोपहर में सेल पे जाएगा, जियोमार्ट, जियोमार्ट डिजिटल और रिलायंस डिजिटल, और साथ ही फ्लिपकार्ट पे आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो इस बार मोटोरोला ने ऑफलाइन सेगमेंट को भी टारगेट किया है जियोमार्ट और रिलायंस डिजिटल के माध्यम से। यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप वहां पे जाके पर्सनली भी देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं यूज करके, उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं। 3GB 32GB का जो प्राइस रखा है यहाँ पे इंट्रोडक्टरी प्राइस वो है 8,999 रुपए, और 4GB 64GB का इंट्रोडक्टरी प्राइस है 9,999 रुपए। ओरिजिनल प्राइस क्या रहेगी वो डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में आपको बता दूंगा मैं। तो बस मित्रों, यही थी वीडियो मोटो E32S की। कैसा लगा आपको फोन और कैसी लगी आपको वीडियो? और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।